दोस्तों हम सभी लोगों को पता है जब भी हम एक सेडान की बात करते हैं काफी कम मार्केट में बची है, लेकिन दो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां होती हैं, एक है होंडा की अमेज और एक है मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो कि कई सालों से चलती भी आ रही है। लेकिन कितने लोगों को नहीं पता कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हो टाटा की टिगोर ये भी काफ़ी बढ़िया है और हमें क्या लगता है कि कई मामलों में ये गाड़ी उनसे बेहतर है। सबसे पहले तो आपको पता ही है टाटा की गाड़ी है तो बिल्ड क्वालिटी तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फाइव स्टार वाली ही मिल जाती है, रफ एंड टफ आपको इसमें लुक मिलता है, लेकिन अब कुछ चीज़ों में पीछे भी है तो इन सभी चीज़ों की यहाँ पर हम बात करेंगे क्या क्या इसमें फीचर्स हैं और इसमें कुछ अभी एक दो अपडेट्स भी हो रखे हैं और किन चीज़ों में बेहतर है। ठीक है, सबसे पहले टिगोर की हम प्राइसिंग की बात करेंगे और मॉडल की बात करेंगे कौन सा मॉडल है, तो ये दिन कौन सा मॉडल है, कितना ही हमें भाई ऑन द रोड तक पड़ जा रहा है। ये इसका मैनुअल में टॉप एंड वेरिएंट है, एग्जेट प्लस पेट्रोल। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये गाड़ी पेट्रोल में भी अवेलेबल है और सीएनजी में भी मिल जाएगी, डीजल में नहीं मिलती, बस ये पेट्रोल सीएनजी दोनों में आपको मिल जाती है। और प्राइसिंग 9 लाख रुपए ऑन रोड रखा गया है, जिसमें 25 से 30 हज़ार रुपये भी डिस्काउंट भी चल रहा है टाटा की हर डीलरशिप में। और ज़रूरी नहीं कि ये डिस्काउंट खाली आपको नया साल आ रहा है इसीलिए मिल रहा है, इस गाड़ी पर आपको कई सारे डिस्काउंट देखने को मिलते ही रहते हैं, ऐसे नहीं कि बस एक बार ही आएगा साल में डिस्काउंट। अब लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि इसके लुक उतने अच्छे नहीं है, ये तो आगे से पूरी टियागो ही लगती है, थोड़े चेंजेस करने चाहिए थे, पीछे से डिफरेंट है, वही ऐसे बहुत चीज़ें कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अंदर कम्फर्ट है वो टियागो से ज़्यादा अच्छा है और कुछ मामलों में हमें जो डिज़ायर है उनसे भी थोड़ा बेहतर ही लगता है। सीटी इसकी बहुत कम्फर्ट है, मैं तो ये कहूँगा कि अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट सीटिंग कम्फर्ट और सबसे बेस्ट बिल्ड आपको यही गाड़ी निकाल के दे रही है। हाँ, और कुछ इसमें यूनिक फीचर भी, मतलब यूनिक चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट, मतलब अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा यही आपको ऑफर कर रही है। लेकिन सबसे पहले चेंजेस की हम बात करेंगे, तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हमको तो मिल रहे हैं? यहाँ पर तीन ऐसे मेजर चेंजेस हो रखे जिनकी जरूरत थी और कंपनी ने लोगों की बात सुनी भी है और तभी शायद आपने वीडियो में क्लिक करा है। देखो, पहला चेंज क्या हो रखा है कि इसकी जो हमें प्रोजेक्टर सेटअप आता लाइटिंग में, अभी आपको मिल रहा है ऑटोमेटिक के साथ। ठीक है, सेकेंड चीज़, वाइपर्स आपको पहले ही मिलते थे लेकिन अभी आ रहे हैं रेन सेंसिंग के साथ, ऊपर आपको सेंसर मिल जा रहा है, यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो कि होना ही चाहिए था, जो यहाँ पे इंटीरियर है इसके जो डोर्स है, पहले आपको लॉक अनलॉक के बटन यहाँ पे मिलते थे ओल्ड फैशन में, आपको ऐसे प्रेस करना पड़ता था बार बार, लेकिन अब वो हो गए मॉडर्न स्टाइल वाले इस तरीके से। देखो, तो ये तीन ऐसे मेजर चेंज करे गए हैं जिसके वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ये गाड़ी सेल होगी, अच्छी खासी सेल होगी और प्राइसिंग नहीं बढ़ाई गई है, प्राइसिंग बिल्कुल वैसी ही रखी गई है। हाँ, क्योंकि भले उनमें उतना लोगों को नोटिस नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड फैशन देते थे वो बहुत लोगों को अजीब सा लगता था, कहते हैं अजीब सा भी लगता था। और वो कहीं ना कहीं, मतलब 9 लाख रुपए अगर आप दे रहे हो फिर आपको ऐसे बटन वाले ऑप्शन मिल रहे हैं, वो भी एक, ये भी प्रीमियम सेडान ही मान के चलो आप, क्योंकि इसकी सेडान तो कोई आती नहीं है टाटा की, तो यही इनकी प्रीमियम सेडान हो गई, तो इसमें अब आपको ऐसा फंक्शन मिल रहा था वो पुल वाला, तो बहुत गंदा लग रहा था वो। बाकी देखो, साइड से लुक कुछ इस तरह से आता है। अब क्या है इसमें सबसे यूनिक चीज, कि इस गाड़ी में आपको यहाँ पे सबसे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 180 mm का। ये देख लो कितनी ऊंची, देख के लगता है दूर से है काफी ऊंची, क्योंकि जो अमेज है डिजायर है काफी दबके चलती नीचे, तो उनमें टकराने का बहुत डर होता है। यहाँ पे इसमें दिक्कत आपको नहीं आती और इसमें आपको एक्चुअल अलॉय व्हील्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि व्हील कैप ऐसे कुछ लगा रखे हैं, 15 इंच की इनमें आपको प्रोफाइलिंग मिल जाती है। इनके साइज बहुत अच्छा है, ये देख लो, ये साइज अच्छा है, दूसरा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, तो अगर आप खराब सड़कों में इस कार को ले आते हो ना तो झटके जितने ज्यादा फील आपको नहीं होते हैं, नहीं होने वाले। और अगर मैं सेफ्टी फीचर की बात करता हूँ ब्रेकिंग को लेकर के, ABS आपको मिल रहा है, EBD आपको मिल रहा है, ब्रेक असिस्ट भी आपको मिल रहा है, तो ब्रेकिंग भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पे रहने वाली है। अब एक ड्रॉबैक हम लोग को लग रहा है, आप बताना कि आपको ड्रॉबैक लगता है नहीं लगता है, इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको मिलता है सिर्फ 35 लीटर्स का। हम जानते हैं कि हर जगह पेट्रोल स्टेशन है, लेकिन इंसान क्या करता है, जैसे उसकी सैलरी आती है वो टैंक अपना फुल करा देता है। अगर वो लंबी ट्रिप में जा रहा है तो उसकी जो ट्रिप ज़्यादा अच्छी नहीं रह पाएगी, क्योंकि जो माइलेज गाड़ी निकाल के दे रही है वो है 19 से 20 का, 35 से मल्टीप्लाई कर लो तो 700 किलोमीटर की आपकी ड्राइव रेंज बन रही है, जो कि मेरे हिसाब से इसके सेगमेंट वाली गाड़ियाँ आपको 800-900 किलोमीटर तक की ड्राइव रेंज निकाल के दे रही है, तो एक ड्रॉबैक है। और बैक लुक की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, कई लोगों को लगती है, यहाँ पे पीछे यहाँ जो टेल लैंप दे रखा है या फिर इसको हम हाई माउंट स्टॉप लैंप जो हम कहते हैं, कितना लंबा है, बिल्कुल सेम वैसा ही डिज़ाइन है जैसा आपको ऑडी की जो RS Q8 ऐसी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, स्पोर्ट्स वेरिएंट्स आते हैं, उन्हीं में आपको इस तरह का डिज़ाइन मिलता है, तो यहाँ पे भी उसी टाइप का लुक दे रखा है, तो बहुत यूनिक बनाता है इस गाड़ी को, कोई भी कंपनी आपको इस टाइप का डिज़ाइन नहीं देती है। और एक चीज़ मेरे को और अच्छी लगी कि इसकी जो पूरी डिग्गी है ये आपको कंप्लीट तरीके से हमें मेटल बॉडी के साथ मिलती है, और इसीलिए अगर आप इसकी यहाँ पे डिग्गी को खोलोगे, ये आप खोलोगे, आपको इसमें हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाते हैं, वरना औरों में क्या होता है कि आपका मेटल ही इस तरीके से थोड़ा माउंट होके लगाया जाता है, मोल्ड होके लगाया जाता है, इसमें स्टड्स हैं तो बड़े स्लोली खुलते हैं,
गिरते भी नीचे को हिलते भी नहीं है, मतलब बिल्कुल जो दूसरी गाड़ी आपने देखी होगी जितनी भी सेडान्स होती है उनमें क्या होता है, यहाँ पे हल्का सा फलक्रम टाइप ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखा होता है, जिससे क्या होता है जब भी आपकी डिग्गी खुलती है तो एकदम से पीछे जाती है और ऐसे लहरती झूलती है, तो वो चीज अच्छा भी नहीं लगता है। आपको भी लगता है 10 लाख रुपए की मैंने गाड़ी ली और उसमें ऐसा हो रहा तो दूसरे के सामने बेइज्जती वाली फीलिंग भी आती है। लेकिन कंपनी यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स दे रही है, जो कंपनियां आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में एसयूवीज में नहीं दे रही, वो आपको इस गाड़ी की डिग्गी में दे रखा है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी अगर बूट स्पेस देखोगे आप तो 419 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल रहा है। अब इसके एडवांटेज के साथ साथ इसके डिसएडवांटेज ये बनता है, चलो पहले एडवांटेज आपको एक और दिखा देते हैं, कैमरा आपको मिल रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये बनता है कि कोई भी पार्किंग सेंसर नहीं है, पहले दो आते थे, अब वो भी कंपनी ने रिमूव कर दिए। अब कंपनी का ये कहना है कि हमने कैमरा तो आपको दे दिया, सब गाइडेंस तो मिल रहा है, तो वही सेंसर्स की उतनी जरूरत, लेकिन मेरे हिसाब से सेंसर जरूरी हुए हमेशा। मान लो अगर कभी आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, डिस्प्ले में आपको शो नहीं है, कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है, तो यहाँ पे सेंसर्स आपको, अगर हम रात के समय देखते हो कि रात के समय तो दिखता वैसे भी कुछ नहीं है कैमरे से, तो उस समय सेंसर ही हमें बचाते हैं, लेकिन सेंसर नहीं है कोई बात नहीं, अंदर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे एक दो चीज़ आपको शो कर देते हैं कि अंदर से डिज़ाइनिंग वगैरह कैसी रखी गई है, तो आप चेकआउट कर लो। डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से मिलेगी और हरमन का 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगा, 8 स्पीकर मिल जाते हैं, 4 स्पीकर दरवाजों में हैं, चारों दरवाजों में 4 ट्विटर्स भी आपको मिलेंगे। बाकी लाइट्स अगर देखते हो, लाइट जल नहीं पा रही, लेकिन ये एलईडी लाइट्स आपको मिलेंगी। टाटा की ये बात अच्छी है, अपनी सारी गाड़ियों में वो आपको एलईडी लाइट्स प्रोवाइड कर रही है, जहां और कंपनी सब हेलोजन ही देती हैं, ये कंपनी आपको एलईडी में चीजें दे रही है। अब यहाँ पे देखो ये तो चीज अच्छी करी, और सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है, मतलब सबसे कंफर्टेबल अपने सेगमेंट में, हाँ सबसे कंफर्टेबल सीट है। ड्राइवर की बात करो, पीछे पैसेंजर्स के लिए बात करो, जो लंपर सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है, हर एक चीज टॉप नॉच है। मतलब इसके अंदर बैठ के आपको मतलब इसकी सीटिंग पोजीशन इतनी अच्छी है, जब आप इसके अंदर बैठते हो तो एकदम से ऐसा लगता है कि आप बहुत उठा उठा फील, मतलब ऐसा लगता है बहुत जमीन से ऊंचे हो, ग्राउंड क्लियरेंस भी ऊंचा है और सीट्स का एंगल भी इस तरह से बना रखा है, कुशनिंग भी ऐसी कर रखी है, बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन यहाँ पर आपको मिलता है। और जो ड्राइवर सीट है वो आपको मिल जाती है हाइट एडजस्टमेंट के साथ, जबकि हाइट एडजस्ट नहीं कर रही तब भी काफी ऊंची फील कर रही है, बोनट भी यहाँ से विजिबल देख सकते हो। बस एक यहाँ पे मुझे ये लगता है इस गाड़ी में जिनकी हाइट या फिर लंबी है उनको यहाँ पे ए पिलर में जो वाला पोर्शन थोड़ी सी ब्लॉकेज फील हो सकती है, थोड़ा मतलब कॉर्निंग लेते समय, क्योंकि ना एकदम थोड़ा सा साइड होके थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये दिक्कत ये प्रॉब्लम अक्सर इसी के संग नहीं, जो ये कॉम्पैक्ट सेडान्स रहती है मैक्सिमम रहता ही रहता है प्रॉब्लम, क्योंकि इनका एक तो थोड़ा साइज हल्का सा पीछे की तरफ को जाता ही है, मतलब पिलर थोड़े ज्यादा ही यहाँ पे बेंड रहते हैं, तो थोड़ा ब्लॉकेज बनती है और ये पोर्शन भी जब मोटा बन जाता है ना तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे देखो हरमन का म्यूजिक क्वालिटी इस गाड़ी की अच्छी है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल बड़ा यूनिक सा डिजाइन दे रखा है, अच्छा लग रहा है ये, और गियर नॉब का डिजाइन बहुत प्यारा है यहाँ पे, मतलब छूने में अच्छा फील है, छोटा छोटा सा है और पोजिशनिंग भी अच्छी दे रखी है। लेकिन खामी की बात यह है कि इंटीरियर का डिजाइन उतना अच्छा नहीं, मतलब हर जगह आपको बस ये हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, कहीं पे भी कोई ग्लॉसी फिनिशिंग नहीं है, स्टेयरिंग भी आपको रैप नहीं मिलता प्लास्टिक वाला, मतलब सॉफ्ट जो हल्का सा है ये दे रखा है। तो मेरे हिसाब से 9 लाख रुपए में अगर यहाँ पे लेदर की स्टिचिंग मिल जाती है, अगर ये नहीं भी है तो यहाँ पे अगर डोर्स में देख रहे हो जैसे यहाँ पे पियानो फिनिशिंग देते थे, क्योंकि यहाँ पे भी पूरा प्लास्टिक है, हर जगह प्लास्टिक है, और जो सॉफ्ट टच दे रखा है हमको वो भी मतलब ऐसा है कि बस दे रखा है, वो बस हल्का सा ही है, मतलब ये नहीं है। ये देखो अगर ये मान लो अगर ये गंदा भी हो जाएगा और क्या कहते हैं, अगर आपके उतना अच्छा कंफर्ट नहीं ऐसा लग रहा, मतलब प्लास्टिक के ऊपर बस एक कपड़ा चढ़ा दिया तो उतना कोई सॉफ्टनिंग नहीं है, तो मेरे ख्याल से कुछ चीजों में अपग्रेड करना चाहिए यहाँ पे, मतलब लुक्स मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनका एक वेरिएंट आता है, लेदराइट पैक वाला वेरिएंट आता है, वो वेरिएंट देने की जरूरत ही क्यों है, अगर आप 9 लाख रुपए ले रहे हो आप 15-20 रुपए एक्स्ट्रा और ले लो, और इसी में आप लेदराइट यहाँ पर पूरा स्टीयरिंग व्हील दे दो और सीट्स लेदर की कर दो, अगर सीट्स नहीं भी कर रहे हो कम से कम इसमें तो लेदर का सपोर्ट दे दो यार, 9 लाख रुपए अच्छा खासा अमाउंट होता है। लेकिन अगर हम देखें तो ठीक है, आपको आगे स्पेसिंग वगैरह जैसे तू कह रहा था स्पेसिंग वगैरह अच्छी खासी मिलती है, और टाटा की कार देखो इंडियन कार है, फायदा क्या होता है कि भगवान जी को रखने के लिए या फिर कोई टॉय रखने के लिए आपको सेपरेट एक स्पेस बना के दिए यहाँ पे, तो सामान रखना है रख लो। बाकी जो यहाँ पर खुलने का तरीका है आपके देखो इस तरीके से, ये ग्लव बॉक्स का कितना अच्छा है, और अंदर आपको यहाँ पे कूलिंग का ऑप्शन मिल जाता है इसमें, बाकी चीज़ें तो वही हैं, ऐसे आपको स्पीडोमीटर का डिज़ाइन से वैसे ही, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन लगभग वैसा ही है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के फंक्शन आपको मिलते हैं, सब कुछ बढ़िया ही है यहाँ पर। अब एक लास्ट पीछे की सीट है वो दिखाते हैं जरा फटाफट से आपको, सीट्स का कंफर्ट यहाँ पे हम जैसे कहते हैं ना बेस्ट है, बहुत ही अच्छा मिलेगा, भले यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते लेकिन इनकी हाइट अच्छी है, इनमें भी थोड़ा ट्रायरो टाइप का डिज़ाइन दे रखा है अगर आप क्लियरली देख पाओगे यहाँ पे। और कैसे बैठ के लग रहा अंदर? बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पहली चीज़ जैसे तूने कहा कि फिक्स वाले हेडरेस्ट मिल रहे हैं, लेकिन आप चेकआउट करोगे तो मेरे हेड को पूरा पूरा ये सपोर्ट देना है, आर्मरेस्ट का सपोर्ट मिल जा रहा है, एक फ्लॉ लग रहा है बंदे को, सीटिंग कंफर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोने कोने तक गई है सीट, यहाँ पे फ्लॉ क्या लग रहा है सीट में नहीं कहूँगा पीछे की सीट्स में, कि यहाँ पर कोई भी एसी वेंट नहीं है, अभी तो देखो ठंडों का टाइम है, नहीं पता चलता, कोई भी एसी यहाँ पे ऑन नहीं करता, गाड़ी बहुत जल्दी कूल हो जाती है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे क्या, जब टेम्परेचर चला जाता है 45 डिग्री 50 डिग्री पीछे वालों के नहीं है,
फिर मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फिर ये कंपटीशन से गाड़ी थोड़ा सा पीछे रह जाती है। मैं ये चाहूंगा अगर कोई टाटा वाला देख रहा है कि 2023 से 2024 तक पीछे एक एसी वेंट ले आओ और एक क्रूज कंट्रोल डालना है वो डाल लो, बाकी पार्किंग सेंसर भी डाल दो यार, कुछ चीजें दे दो जो कि कंपटीशन प्रोवाइड करा रहा है। अब देखो भाई लास्ट इसका जो इंजन है वो दिखाते हैं जरा हम आपको, और यहाँ भी दिखा देते हैं कि इंजन में भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी सेम आपको वही इंजन मिलता है, जो इंजन आपकी जो पंच है और जो अल्ट्रोज है शेयर करती है सेम वही इंजन आपको मिल जाता है। इनका डिज़ाइन भी देखोगे तो सेम वही है, वही आपको 12 सीसी का कितना 3 सिलेंडर इंजन ना, 3 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, उसकी वजह से ही जो माइलेज है अच्छा मिल जाता है, माइलेज आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करा रही है 19.1 का, काफ़ी लोग इसमें 22 का माइलेज 23 का माइलेज हाईवेज में आराम से निकाल रहे हैं। पावर की बात करता हूँ तो देखो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बो वाला नहीं है, तो 88 की BHP और 113 NM का टॉर्क आपको मिलेगा या फिर 103 का मिलेगा, जो भी रहेगा स्क्रीन में हम डाल देंगे, इतना आपका पावर टॉर्क मिल रहा है। और अगर आप देखोगे ऊपर आपका पूरा इंसुलेशन मिलेगा, लेकिन नीचे से पूरी ये इसका जो पैसेज है पूरा ओपन है, क्लोज ये नहीं है ऐसा कैबिन नीचे से, तो ये सब चीज़ें बनती है। अगर मैं वारंटी की बात करता हूँ तो 2 साल 75,000 किलोमीटर की वारंटी टाटा इस कार में आपको दे रहा है, और चाहो तो इसको आप ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ भी गाड़ी आपको मिल जाती है। तो इसके जो नए चेंजेस थे वो मैंने बेसिकली आपको बता दिए, मतलब इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फंक्शन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको मिल जाएंगे, और इसमें अब आपको जो ओल्ड फैशन डोर हैंडल लॉक्स दे रखे थे वो हटा दिए, लेकिन कुछ चेंजेस की अभी भी जरूरत है, जिसमें से दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि भले आप कुछ और दो ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीछे पार्किंग सिस्टम हमारे हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि मेरे ख्याल से कभी मान लो कैमरा नहीं चला है रात के समय जब कैमरा व्यू नहीं दे पा रहा आपको आइडिया नहीं आ रहा, तो पार्किंग सिस्टम थोड़ा अच्छा आइडिया देते हैं। पर इंटीरियर को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन है आपको कुछ चीज़ें ऑफर करती है, जैसे यहाँ पे बस दो ही चीज़ कर दें, जैसे आपको एक जो पीछे एसी वेंट है वो अगर दे दें और थोड़ा अगर ग्लॉसी फिनिशिंग या फिर लेदर सॉफ्ट है जैसा कुछ दे दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके अलावा मेरे ख्याल से इस गाड़ी को कुछ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लुक्स अच्छा है, सेफ्टी तो आपको और नो डाउट बहुत अच्छी मिल जाएगी, और प्रोजेक्टर सेटअप के साथ लुक थोड़ा अच्छा बन जा रहा है यहाँ पे। तो एंड करते हैं आज की वीडियो को, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करना, कमेंट जरूर से करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं, और मैं और युगल आपको मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे को नए वीडियो के संग, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।